हेलो फ्रेंड्स, फॉर ओवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। क्या कुछ चल रहा है आप लोगों के रिश्ते में, तो सभी कुछ देखने वाले हैं। जो भी हमें गाइडेंस मिलेगी हम वो देखेंगे, तो डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें, तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी, और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डीप ब्रीथ लेना है, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करना है कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपनी पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर पाए। रीडिंग इस वक्त थोड़ी सी हैवी आ रही है, मुझे एनर्जी हैवी फील हो रही है, तो बी वेयर, रिलैक्स होकर के सुनना है, ठीक है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें, माइंड मेकअप करके सुना करें कि रीडिंग में अच्छा अच्छा नहीं आएगा हर बार, अच्छा होगा तो अच्छा आएगा। अगर कुछ निगेटिव आता है तो उसको भी पॉजिटिव तरीके से लेना सीखें। आप यहाँ गाइडेंस लेने आते हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हमारी होप थी ख़त्म। होप अपनी जगह होती है और रियलिटी को फेस करना अपनी जगह होता है, ठीक है। सिर्फ आपके होप करने से सारी चीज़ें आपके खिलाफ हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हो किसी, तो हम उनके सोल्यूशंस भी बताते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उनके सोल्यूशंस भी बताते हैं आपको, आप उन सोल्यूशंस पे फोकस ही नहीं करते। ज़िंदगी में दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो सूप की तरह होते हैं, एक वो होते हैं जो चलनी की तरह होते हैं। पुराने लोग हैं वो तो जानते होंगे सूप क्या होता है, और जो नए हैं वो नहीं जानते होंगे, तो उनको मैं बता दूं, गांव से जुड़े हुए लोग तो जानते होंगे, शहर वाले नहीं जानते होंगे। सूप एक तरीके का ऐसा वेसल टाइप का होता था जिसमें मतलब गूगल कर लेना पता चल जाएगा, उस पर क्या करते थे, जैसे गेहूँ है, चावल है, इनको ऐसे करके वो करते थे, इस तरीके से टैप करते थे, तो क्या होता था, गंदगी, भूसा, जो भी हल्की चीज़ें होती हैं वो उड़ जाती हैं, या जो खराब दाने होते हैं, सड़े हुए दाने होते हैं, हल्के होते हैं, वो उड़ जाते हैं, अच्छा अच्छा बन जाता है। छन्नी इसका ठीक उल्टा करती है। छन्नी क्या करती है, गंदगी रख लेती है, साफ अच्छी चीज़ को बाहर निकल जाने देती है। तो अब आप खुद को एनालाइज करो कि आप किस कैटेगरी में आते हो, सूप की कैटेगरी में आते हो कि छन्नी की कैटेगरी में आते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज़िंदगी में जो लोग पॉजिटिव होते हैं ना वो हमेशा सूप की तरह होते हैं। जो चीज़ें बेकार हैं, फालतू हैं, आपके मतलब की नहीं, उनको जाने दो, जो अच्छा बताया है उसको सुनो। निगेटिव भी बताते हैं तो निगेटिव का क्या बेनिफिट हो सकता है हम वो भी तुम्हें बताते हैं। अगर आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, आप पॉजिटिविटी देखिए ना उस चीज़ में क्या है। अगर आपकी चीज़ ये कन्फर्म है कि आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपको आगे नई रिश्ते को लेके जाना चाहता है, रिश्ता आपका ख़त्म हो रहा है, तो आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग भी तो हो रही है, किसी और पर्सन के साथ भी तो हो रही है, जो टॉक्सिसिटी आप झेल रहे थे वो टॉक्सिसिटी ख़त्म भी तो हो रही है, ठीक है। तो कहीं कुछ बताया जाता है, कुछ सुना, तो उसको क्रिटिसाइज करने के मूड में मत सुना करो, ओपन होकर के सुना करो, ठीक है। कुछ लोगों को हमारे, हालांकि बहुत कम लोगों को होती है, लेकिन जो हैं कुछ लोग इस तरीके के कि जिनको लेक्चर से प्रॉब्लम होती है, भाई आप क्या करने आते हो, रीडिंग सुनने आते हो, क्या सुनने आते हो, आप अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो या टाइम पास करना चाहते हो। अगर टाइम पास करने चाहते हो तो फिर मेरी सुनो, फिर दूसरों की सुनो, बहुत सारे टैरो रीडर हैं, किसी की भी सुनो, नहीं अच्छी लगती ख़त्म करो, दूसरे की सुन लो। लेकिन अगर आप गाइडेंस लेने आते हो तो प्रॉपर वे में पूरी सुना करो और उसमें कमियां मत निकाला करो, हम वो बताते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ज़िंदगी में जो चीज़ें अच्छी हैं उनको कलेक्ट किया करो। हमने बताया, चलो हमने आपको 10 बातें बताईं, 10 में से 8 बातें बेकार थीं, फालतू थीं, आपके मतलब की नहीं थी, बट उनमें अगर आप गौर करेंगे तो 2 बातें काम की भी थी, तो आप वो 2 बातें ले लो ना। आप छन्नी की तरह वो गंदगी क्यों इकट्ठी कर रहे हो अगर आपको लग रहा है कि आपके मतलब की नहीं थी। तो हम पहले ही इस चीज़ को बोल देते हैं कि एक कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो हर पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं, और आप लोग उस रीडिंग को पर्सनल की तरह ले लेते हो, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है आपकी, ठीक है। इस तरीके से तो हमेशा पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को लिया करो, और जो अच्छा है उसको रखा करो, जो खराब है उसको जाने दिया करो। तो ज़िंदगी की में सूप बनो, छन्नी मत बनो कि गंदगी इकट्ठी करनी है आपको, ठीक है। चलो प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। फ्रेंडशिप, दोस्ती,
फ्रेंडशिप, चलो हम टैरो देखेंगे तब बताएंगे कि ये कार्ड कैसे निकल के आते हैं। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, होप, एक उम्मीद, उम्मीद किसी चीज की। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज बताइए। लेट गो इश्यूज, इश्यूज को जाने देते हैं, उम्मीद रखते हैं कि चीजें ठीक हो जाएंगी, चलो फिर से दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है। जो अभी तक कहानी बनी वो इस तरह से बनी। प्लीज डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है प्लीज बताइए। आई विल लाइक, किसी की बुरी नजर है। शाम की रीडिंग नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, उसमें भी ब्लैक मैजिक जैसा आया था। बुरे लोग होते हैं हर जगह, तो परेशान ना हो। प्लीज डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज बताइए। कैरियर इशू, पैसे की तंगी है, कैरियर नहीं है किसी के पास, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते आपके पर्सन बिकॉज उनका कैरियर ठीक नहीं है। इसीलिए हो सकता है वो ये कह सकते हैं कि हम आपसे मैरिज नहीं कर सकते, या आप रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं ले सकते या अभी नहीं ले सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर उनके पास और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनको उन्हें पूरा करना है और उनके पास इतना सफिशियंट कैरियर नहीं है कि वो आप दोनों की जिम्मेदारी उठा सके, ठीक है, यहाँ पे, या तब तक के लिए जब तक वो सेटल डाउन नहीं हो जाते, कैरियर ठीक नहीं हो जाता तब तक फ्रेंडशिप कर लेते हैं ये उम्मीद, ठीक है, इश्यूज को लेट गो कर देते हैं। चलिए अब हम देखते हैं टैरो के साथ ये चीज़ें कैसे रेजोनेट करेंगी। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, रीडिंग को हमेशा स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, जिससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी हमसे एक्सचेंज हो जाती है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में प्लीज़ बताइए। कार्ड्स को कुछ ज़्यादा ही जल्दी है आने की। चलिए हम क्लैरिफायर भी निकाल लेते हैं फिर बात करते हैं। नाइन ऑफ कप्स है, पेज ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ पेंटिकल है, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी है एंड एट ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। प्लीज डिवाइन, पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। मैं बताती जाती हूँ फिर आगे शुरू करते हैं। आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो चल रहा है, कोई उनकी विश फुलफिलमेंट, या तो कोई उनकी ख्वाहिश है जो पूरी हुई है या पूरी करना चाहते हैं, कुछ है जो भी उनकी जो मेन ख्वाहिश है जिससे उनकी सारी खुशियां उनको मिल जाएंगी वो उनकी है, या तो उनकी पूरी हो गई है या पूरी करना चाहते हैं आप एनर्जी। ये कार्ड टू ऑफ विंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भी दिखा था, विश फुलफिलमेंट है। किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, किसी को एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। फोर ऑफ वेंट्स का कार्ड ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, ठीक है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, अभी हम आगे देखेंगे तब क्या निकल के आता है। फिलहाल इनका काम ये है, या तो इनको कहीं से कोई मॉनेटरी गेन हुआ है, इनकी जॉब लग गई है, किसी भी तरीके का पैसे का कहीं से कोई गेन इनको या तो हुआ है, तो इनकी कोई ख्वाहिश जो है वो पूरी हुई है, ठीक है। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कहीं से पैसे आ गए हैं या पैसे आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि इनकी कोई ख्वाहिश पूरी हो गई है, इनको कोई जॉब लगना था, वेट कर रहे थे किसी चीज़ का तो वो मिल गई है, स्टेबिलिटी इनकी ज़िंदगी में आ गई। और कुछ लोगों के लिए है कि ये ऐसा विश कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, या हो, मतलब हो जाए ऐसा कि ये इनके इन्हें कहीं से कोई मैसेज कम्युनिकेशन मिल जाए कि इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ जाए, यहाँ पे ये चीज़ें वेट कर रहे हैं, सॉरी, ताकि ये स्टैंड ले सकें। किसी के लिए मैरिज करना चाहते हैं किसी के साथ, उसके लिए भी स्टैंड लेना चाहते हैं, किसी को एक ऑफर करना चाहते हैं, स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, बट अभी स्टेबल नहीं दिख रहा है, पेज की एनर्जी है। जैसे मैंने बोला अभी स्टेबल, जो मैंने पहले ही बोल दिया था कि कैरियर इशू हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों की, क्योंकि अगला ही कार्ड हमारा किंग ऑफ पेंटिकल का है जो कि कन्फ्यूजन दे रहा है, न्यू बिगिनिंग और एट ऑफ, ये किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। ये किसी को स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं बट अभी नहीं दे सकते, कन्फ्यूज हैं, किसी के साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, बट यहाँ पे इनको किंग ऑफ पेंटिकल पैसे वाला भी बनना है, और ये किसी की तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन का भी वेट कर रहे हैं, ठीक है।
दूसरी तरफ उनकी एनर्जी ये भी हो रही है कि कोई जॉब या कंफर्मेशन है किसी तरीके की, उसका भी वेट कर रहे हैं कि वहाँ से कोई कंफर्मेशन आ जाए तो ये चीज़ें करें। तो तब तक के लिए ये क्या कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि एक फ्रेंडशिप वाला हो जाए। मैरिज बाद में करेंगे, वो बाद का देखा जाएगा, फिलहाल के लिए एक फ्रेंडशिप कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं वाली एनर्जी यहाँ पे है। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, बेसिक एनर्जी वही है। अब हम देख लेते हैं कि एक आध मैसेज किसी के लिए कुछ खास हो। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, अगेन फॉर कुछ है ही नहीं, वही सेम एनर्जी आ गई, वही चीज़ है। ठीक है, इनको अपने करियर पे ध्यान देना है, पैसे की इनकी है, ये स्टेबल हो जाएंगे तब ये आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टू ऑफ सोर्स की एनर्जी अगेन एनर्जी है, टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, सिक्स ऑफ सोर्स एंड टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ कहना ही नहीं है, ये जिस इंसान से प्यार करते हैं, उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, उस रिश्ते से फिलहाल के लिए अभी एनर्जी ये हो रही है कि उसके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जी ये है कि जो भी प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में चल रही है ना, ये तभी ख़त्म होंगी जब ये प्रॉब्लम मतलब जब ये सॉरी जो भी प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में चल रही हैं, ये उनसे मूव ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, उन प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हैं, उसके साथ जाना चाहते हैं जहाँ ये प्यार करते हैं। बट अभी फ़िलहाल इनकी कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी यहाँ पे है कि इनको क्या करना है, ये अभी इमोशनली मूव ऑन हो जाएं इस पर्सन से, या इसके साथ में बढ़ जाएं, या करियर पे ध्यान दें, या प्यार पे ध्यान दें। इन्हें इन सब चीज़ों में यहाँ पे टेंशन हो रही है, बिकॉज इनको ये लग रहा है कि जब तक ये करियर पे ध्यान देंगे, उधर फोकस करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि क्योंकि ये जिस इंसान से के बारे में सोच रहे हैं ना, वो इंसान इनकी विश फुलफिलमेंट है। ठीक है, वो इंसान इनकी ज़िंदगी में होगा ना, तो इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। तो ये उसके साथ बढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको अभी करियर पे भी ध्यान देना है, बट दूसरी तरफ इन्हें डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो इंसान इनकी ज़िंदगी से दूर चला जाए, निकल जाए। ये एनर्जी भी है। एस ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, एस ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये फिलहाल जिस इंसान से प्यार करते हैं ना, जिसके साथ इनका एक सोल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, जिसके साथ एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट हो सकते हैं ज़्यादातर लोग, जहाँ ये डिवाइन का दिया हुआ प्यार है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, उसे खोने से डर है। इनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो, कन्फ्यूज़न, एक तरफ इनको ये लग रहा है कि उस बंदे से ये इमोशनली मूव ऑन कर लेते हैं बिकॉज उनको अपने कैरियर पर ध्यान देना, दूसरी तरफ इनकी एनर्जी ये आ रही है कि नहीं, मुझे उस इंसान की तरफ बढ़ना है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जब तक इधर ध्यान देता हूँ तब तक वो इंसान मेरी ज़िंदगी से कहीं चला ना जाए, मैं उसको घुमा ना दूँ। ठीक है, तो अभी ये बहुत कंफ्यूज हैं कि ये किंग ऑफ पेंटिकल पे ध्यान दें कि इधर ये न्यू बिगनिंग जहाँ प्यार के साथ करनी है उधर करें। एट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए रिवाइन, एट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। यस, न्यू बिगनिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे जो भी ऑब्स्टिकल हैं ये उनसे लड़ने के लिए रेडी हैं, अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, उस पर्सन को कम्युनिकेट करना चाहते हैं। उधर से शायद मैसेज नहीं आ रहा है, इस चीज़ का भी ये वेटिंग की एनर्जी है कि उधर से कोई मैसेज कम्युनिकेशन आ जाए, इस चीज़ का भी है। ठीक है, ये ज़्यादातर इनकी एनर्जी ये है कि इस स्टेप जब इनके पास जॉब कैरियर इनका ठीक होगा, जब इनको कहीं से कन्फर्मेशन आ जाए, किसी तरीके का मैसेज आ जाए जहाँ से इनको पैसा मिल जाए, ठीक है, फिर ये उसके साथ उस पर्सन के साथ ईजिली बढ़ेंगे। तो ये बहुत क्यूरियोसिटी के साथ, बेचैनी के साथ उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। ठीक है, कहीं इन्हें मैरिज का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैरिज नहीं हो पाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, ये थोड़े से गुस्से में हो सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं, या कोई फादर फिगर हो सकता है जो कंट्रोल कर रहा हो, जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो रही हों, यहाँ पे ये भी एनर्जी है। फिलहाल मुझे ये एनर्जी इनकी खुद की ज़्यादा दिखाई देती है कि खुद ही बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, पावर में आना चाहते हैं, चाहते हैं जल्दी चीज़ें ठीक हो जाए, अदरवाइज ये सपना टूट जाएगा। द वर्ल्ड की एनर्जी है। ठीक है, हो सकता है ये ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करना चाहते हो, किसी तरीके की स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी हुई हो, ये भी चीज़ है, किसी चीज़ के बारे में पता चला हो। और दूसरी चीज़ ये है कि एक साइकिल को ये कंप्लीट करना चाहते हैं, कोई साइकिल है कंप्लीट करना चाहते हैं, अगर कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में तो हो सकता है ट्रैवल करके वहाँ पर जाना चाहते हैं, यहाँ पर ये एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि आपके पर्सन पैसे के लिए किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे स्टेट में या फिर किसी दूसरे कंट्री में जा सकते हैं, जहाँ पे वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए मतलब मेरा वेट करो। कहने का मतलब ये है कि आपको चाह मतलब जिससे भी ये चाह रहे हैं उसकी तरफ चाह रहे हैं कि वो वेट करें इनका। ठीक है, ये उसके पास वापस आना चाहते हैं, तब तक के लिए ये चाहते हैं कि थोड़ा सा फ्रेंडली जोन में बने रहो, फ्रेंड जोन में बने रहो, बिकॉज अगर प्यार मोहब्बत में पड़ते हैं तो ये क्या करते हैं, इनका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये एनर्जी है, तो ये उसके साथ एक फ्रेंडली बॉन्ड चाहते हैं। यहाँ पे सभी साइन है यहाँ पे। ठीक है, द वर्ल्ड की एनर्जी आ गई, एक साइकिल के कंप्लीशन की एनर्जी दिखाई देती है, द विश कर रहे हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन,
विश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, न्यू बिगिनिंग इनको बहुत जल्दी करनी है, बट इस न्यू बिगिनिंग के चक्कर में इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि कहीं कुछ खो ना जाए, किसी को खो दिया है या खो देंगे, इस टाइप की चीज़ें भी लग रही हैं इनको। द हार्डमिट की एनर्जी है, सोच समझ के कुछ नहीं, मतलब ये अपनी चीज़ों को, विरगो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, चीज़ों को लुकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे चीज़ें कहाँ खराब हो गई, कैसे खराब हो गई, यहाँ पे ये एनर्जी भी है, ठीक है। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी, किसी के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं या तो फैमिली को ठीक करने के चक्कर में इन्होंने प्यार खो दिया है, ये एनर्जी भी दिखाई देती है। तो ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बिट्रेयल, धोखा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, या तो ये खुद दे रहे हैं या कहीं से इन्हें देना पड़ेगा, इनको ऐसा लग रहा है, ये एनर्जी आ रही है। ये लोग किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, पैसे के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अगर पैसा नहीं आया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्दी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, इस तरीके की एनर्जी इनको लग रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एक्शन लेना चाहते हैं, फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टेड हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। ये पैसे का बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा इशू है, और किसी को प्यार करते हैं, उसकी तरफ बढ़ना है, उसके साथ मैरिज करनी है, बट फिलहाल उसको मैरिज नहीं कर सकते, तो उसको एक फ्रेंडशिप का ऑफर दे सकते हैं, इमोशनली डिटैच हो रहे हैं, उसको ये बोल सकते हैं कि तुम मेरे साथ सिर्फ अभी दोस्त बने रहो, ठीक है, बिकॉज ये अननेसेसरी का प्रेशर नहीं लेना चाहते अपने ऊपर, ये है। चलिए अब हम इनकी एनर्जी देखते हैं आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। अपने पर्सन का नाम दोहराइए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कहीं कुछ ख़त्म हो गया है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, बट ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अगर पास्ट में आप लोगों के बीच में रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे लेट गो इश्यूज़ की एनर्जी है, अगर पास्ट में किसी तरीके की प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में हुई थी, तो ये आपके पर्सन वो हर चीज़ ट्राई करना चाहते हैं, ये सब जगह से आपको स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ढूंढ रहे हैं, वो सब कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। द हैंगमैन की एनर्जी है, उल्टे लटके हुए हैं, फंसे हुए हैं आपको लेकर के, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाएं, क्या करें, ठीक है, लेकिन सोच जरूर रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, अगर कहीं ट्रांसफर लेके हो सकता है, अभी ट्रैवल कर रहे हैं या दूर रहते हैं तो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, किसी और दूसरे ऑफिस में तो हो सकता है वहां से ट्रांसफर लेकर के आपके पास आ सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है कि ये आपसे दूर जा सकते हैं ट्रांसफर लेकर के, ठीक है, ताकि ये वापस आपके पास स्टेबिलिटी के बाद आपके पास आ सके, यहाँ पे एनर्जी है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके प्यार को बहुत, इस वक्त इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, ये चीज़ है, और ये आपके प्यार को डिवाइन का दिया हुआ प्यार समझ रहे हैं, ठीक है, फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, किस्मत के पहिए का घूमने का इंतजार कर रहे हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है। द हायरोफेंट की एनर्जी, अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये भी एनर्जी हो सकती है कि ये वहाँ से डिवोर्स लेकर के आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और नहीं तो ये आपको ये बोल सकते हैं कि चलो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी, या फिर किसी मंदिर मस्जिद में जा रहे हैं, आपको डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद में आया है, तो हो सकता है ये किसी मंदिर मस्जिद या भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान मतलब किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जा रहे हैं, जहाँ ये आपको मांग रहे हैं, डिवाइन से मांग रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओ, ये एक्शन लेना चाहते हैं, ये कोई से हो सकता है किसी से लीगल एडवाइस भी ले रहे हों, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। एक्शन, कैंसर की एनर्जी है, टॉरस की एनर्जी है, सभी जोड़े साइन है, और स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, बहुत जल्दी स्टेबल होना चाहते हैं, स्टेबल होने के बाद आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये आपको ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं जिसने आपको, आप या तो आप ऑलरेडी अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, या फिर यहाँ पे एनर्जी इनकी ये है कि ये स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, ये आपको ऐसे मानते हैं, एक लॉयल वाइफ मटीरियल आपको ऑलरेडी मानते हैं, ये आपके साथ ऐसे देखते हैं कि आप एक बहुत ही रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, कमिटेड इंसान रहे हो, ठीक है, जिसने इन्हें फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट किया है, इस तरीके की एनर्जी है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, सीक्रेटिव हो रहे हैं, काफ़ी कुछ अपने अंदर सीक्रेट रखे हुए हैं इन्होंने, ठीक है, गुड एंड बैड दोनों चीज़ों को ये देख रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, फैमिली सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है किसी तरीके की, ठीक है। द एम्प्रेस की एनर्जी है, हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा इंसान भी हो सकता है, जिधर भी ये देख रहे हैं, जो इनकी फैमिली के द्वारा लाया गया हो, यहाँ पे प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, ये भी एनर्जी है, ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है इनके लिए, ये फ्रूटफुल करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन फैमिली से बात कर रहे हैं इस मतलब बारे में,
या तो ये चाह रहे हैं कि डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि कास्ट फैमिली मान जाए इन सब चीज़ों के लिए, और ये ताकि ये एक्शन ले सकें आपकी तरफ और आप कुछ फ्रूटफुल कर सकें और आपको प्यार भरा कप ऑफर कर सकें और आपके साथ मैरिज कर सकें। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। कहीं एक तरफ सिचुएशन ये है, किसी एक से प्यार है, किसी एक की तरफ फैमिली यहाँ पे हो सकती है, कि जहाँ पे अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो इनमें कोई ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक है, मैं ये भी, लेकिन क्योंकि जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दी है उसके अलावा यहाँ पे द एम्परर आ गया है और एम्प्रेस भी आई है, तो एक कपल एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। तो कुछ लोगों के पर्सन या तो ऑलरेडी मैरिड है, तो वहाँ पे डिवोर्स का एक केस भी हो सकता है कि जल्दी से डिवोर्स मिले तो वो आपकी तरफ बढ़ सके, यहाँ पे ये एनर्जी है। या फिर आपके पर्सन की जिंदगी में मल्टीपल वुमेन हो सकती हैं, बस मल्टीपल तो नहीं कह सकते लेकिन उनके पास च्वाइसेज हैं। या ये आप ही की एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन आपको एक पोटेंशियल पार्टनर आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप अपनी कैरियर पर चीज़ों पर ज़्यादा फोकस्ड हो गए हो, अब आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो एनर्जी ये है कि या तो आपके हस्बैंड या वाइफ आपके साथ जो है उनका कनेक्शन जिस तरीके से है, जिसे आप डील कर रहे हो, वो मैरिड है ऑलरेडी, तो ये वाइफ की एनर्जी उनकी हो सकती है। ठीक है, जहाँ उन्होंने चीज़ें आपसे छुपा के रखी हुई हैं, चाह रहे हैं कि पहले जल्दी से वो वहाँ से डिवोर्स मिल जाए या कहीं से पैसा मिल जाए, कुछ चीज़ें इस तरीके की हो जाएं, उसके बाद वो चीज़ों को आपकी तरफ लेकर के बढ़ें। या ये एनर्जी हो सकती है कि अब आप थोड़ा सा उनको गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि आप उनकी तरफ प्यार नहीं दे रहे हो पहले, अब आप अपने कैरियर पे चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप इसमें आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो गए हो यहाँ पे, ये एनर्जी है। लेकिन अब वो चाहते हैं कि आप अभी इन्हें अनकंडीशनल, बिकॉज यहाँ पे फ्रेंडशिप की एनर्जी दिखाई देती है, तो आपके पर्सन को ये कहना चाहते हैं आपसे कि जब तक वो स्टेबल कमिटमेंट आपकी तरफ नहीं ला रहे हैं, तब तक आप इन्हें एक अनकंडीशनल लव इनको देते रहिए। ठीक है, वो चीज़ देख रही है इस बार, और वो आप नहीं दे रहे हो, इसीलिए ये थोड़े से गुस्सा हो रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ भी इनकी दिखाई दे रही हो। या ये हो सकता है कि ये बहुत इमोशनल है, लेकिन ये आपको बहुत ईगो और पावर में देख, मतलब ये खुद एक्शन लेना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं, स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं। यस, मल्टीपल वुमेन है इनकी ज़िंदगी में, काफ़ी सारे लोगों का इन्फ्लुएंस है इनकी ज़िंदगी में। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ये एनर्जी भी आ गई है, कोई कंट्रोलिंग इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, जिसकी वजह से या तो आपके पर्सन मैरिड है, ऑलरेडी मैरिड है, या उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशू ज़रूर है। हालांकि थर्ड पार्टी का कार्ड तो नहीं आया, लेकिन आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है काफ़ी सारे लोग हैं और जहाँ इन्होंने रिलेशनशिप को सीक्रेट बना के रखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ है, कोई कंट्रोलिंग है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे डिटैच बिहेवियर कर रहे हैं। हो सकता है इनकी फैमिली हो सकती है जो कि इनको, जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये चीज़ है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में चॉइसेस तो हैं, चॉइसेस हैं। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, सिक्स ऑफ वेंट्स की एनर्जी। आपके पर्सन आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, आपके लिए कमिटेड हैं, बट थोड़ा सा डिटैच बिहेवियर इसलिए कर रहे हैं, या तो फैमिली हो सकती है या ये ऑलरेडी मैरिड है तो उनसे डर रहे हैं। ठीक है, अपने पार्टनर से डर रहे हैं, ये आपके लिए कमिटेड हैं बट आपसे थोड़ा सा डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं। ठीक है, सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, ऑप्शन है इनके पास, सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग ऑफ क्यून ऑफ सॉर्ड्स की, मैंने वही चीज़ बोल दी, आपके पर्सन आपके लिए हर चीज़ है, उनके पास ज़िंदगी में ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनको ऑप्शन दिखा रही है, बट आपके पर्सन अपने प्यार को चूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, या हो सकता है जैसे कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे ये भी है, जैसे मैं पहले भी बताया है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन है, अब आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ये हो सकती है कि इनको अभी तक यही नहीं क्लियर है कि ये एक्चुअली इनका सोल पार्टनर है कौन, ये दिल से किससे प्यार करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली उस इंसान के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं जहाँ ये इनको लगे कि सोल कनेक्शन, बट इस वक्त इन्हें आपकी तरफ सोल कनेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। इनको पता क्या लग रहा है, इनको ये भी लग रहा है कि आप, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपकी हो सकती है, जहाँ पे ये आपको ऐसे मान रहे हैं कि अब आप इतने गुस्से में हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे ऑप्शन ढूंढ रहे हो। ठीक है, आप अपने लिए आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में और इनको छोड़ रहे हो। ठीक है, ये आपके लिए प्यार का अपना वो करें, लेकिन आप इनके प्यार का कप को छोड़ करके आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन ढूंढ रहे हो। या सेकेंड एनर्जी ये हो सकती है कि इनकी ज़िंदगी में इनके मदर, मतलब ये दोनों ही भाव इनके अंदर हो सकते हैं, इनके घर में कोई इनकी मदर हो सकती हैं या कोई भी मेच्योर वुमेन हो सकता है, कंट्रोलिंग, या इनकी वाइफ हो सकती हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, जो कि इनको ऑप्शन दिखा रहे हैं, मतलब मदर वगैरह की एनर्जी है तो ऑप्शन दिखा रहे हैं जहाँ पे ये
ऑप्शन भी है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है, ये चीज़ है, बिकॉज एविल आई है, तो यानी कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये रिश्ता हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये हर वो चीज़ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को मनाने। अब ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आप हैं तो आपको भी मनाना है, और अगर इनकी फैमिली में कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है तो ये उसको भी मनाना चाहते हैं ताकि ये अपने प्यार की तरफ बढ़ पाएँ। इनकी ये एनर्जी है, अल्टीमेटली इनको प्यार की तरफ बढ़ना है, आपके साथ एक सोल कनेक्शन ये फील करते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है बाबा जी? फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मैनिफेस्ट, ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, ये इस वक्त बहुत कंजर्वेटिव हो रहे हैं, मतलब ये इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड है, ये चीज़ों को सही ढंग से बता नहीं रहे। एक्चुअली ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और ये बैक ऑफ द कर्टन ये सब कुछ ट्राई भी कर रहे हैं, लेकिन ये आपके सामने ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि ये आपसे डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि इनको अभी नहीं पता है कि ये आपको स्टेबल कमिटमेंट दे पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये पहले अपनी सारी चीज़ों को इश्यूज क्लियर कर लेना चाहते हैं। इसके बाद जब ये इस लायक हो जाएं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिश्ते की उठा सकें, आपके लिए लड़ सकें, तब ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, ठीक है। आप इनके दिल दिमाग में हर जगह हो, लेकिन ये चीज़ें बता नहीं रहे, ये सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो हर चीज़ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं जो ये कर सकते हैं। द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए, डिवाइन फाइव ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, स्टैंड लेना है, ठीक है। कंफ्यूज भी हैं, कभी कभी लगता है कि सेक्रीफाइस कर दें, इतनी सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी, कभी कभी इनको लगता है गिव अप कर दो, छोड़ो, नहीं हो पाएगा हमसे, ठीक है। और कभी इनको लगता है कि नहीं, सोचता हूँ, सही जगह पर डिसीजन लेता हूँ, एक चीज ये भी चीज़ है इनकी। नाइट ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई करिए, बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं आप, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। नाइट ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई करिए, डिवाइन नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, फाइव ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, एक तरफ ऑब्स्टिकल है, दूसरी तरफ ऑब्स्टिकल की वजह से इनको क्या हो रहा है, ये नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें यहाँ पे बहुत स्लीपलेस नाइट हैं, बेचैनी है इनको बहुत ज़्यादा, बहुत दुख में है, रिग्रेट में है। हो सकता है इन्होंने पास में आपसे किसी तरीके की चीज़ें करी हों, इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करी हों, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड भी आया था, हो सकता है आपके पर्सन ने पास्ट में आपको थर्ड पार्टी में डाला हो, जिस बात का इनको अब रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन लस्ट की वजह से हो सकता है किसी और इंसान के पास चले गए हों, ये एनर्जी भी इनकी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, आई नीड ओनली टू कार्ड्स बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सेम एनर्जी, देखो कुछ ना कुछ ठीक होगा आप लोगों की ज़िंदगी में। दो कार्ड यहाँ पे पॉजिटिव है, एक कार्ड यहाँ पे निगेटिव है। एक चीज़, 7 नंबर 19 नंबर 17 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये नंबर, ये डेट आपसे कैसे रेजोनेट करती है अपने हिसाब से देख लीजिएगा, 17, 19 एंड 7। आप लोगों को कोई मैसेज रिसीव हो सकता है जहाँ पे कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, जो भी होगा अल्टीमेटली ठीक होगा, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपके पर्सन को इतना पता है, क्योंकि यहाँ पे होप की एनर्जी है, आपके पर्सन को इतना पता है कि एक दिन वो सारी चीज़ों को ठीक कर देंगे। कोई मैसेज, कम्युनिकेशन, किसी चीज़ का वो वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो मैसेज उनकी तरफ से आ जाएगा, वो आपकी तरफ से आने वाला है कि आप उनका वेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये कन्फर्मेशन उनको मिल जाए, या फिर उनकी तरफ से फैमिली की तरफ से किसी तरीके का कोई अप्रूवल मिल जाए, या वो किसी जॉब या करियर का जहाँ से जो वो वेट कर रहे हैं ना, वो चीज़ उनकी मिल जाए, बस वो उसका वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो मैसेज उनको मिलेगा ना, चीज़ें एकदम सही कर देंगे। कॉफिन का मतलब होता है किसी चीज़ की एंडिंग होना, ख़त्म होना। अब ये कई तरीके से चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि जहाँ पे कुछ बुरी चीज़ें, जो सेपरेशन आप लोगों के बीच में आया हुआ है, जो वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, जो एक तरीके से ऑफर जो है ना, जो अगर आप दे रहे हो तो आपका रिसीव नहीं कर रहे हैं, या आपको प्रपोजल दे नहीं पा रहे हैं, प्रपोजल ले नहीं पा रहे हैं, उन सब चीज़ों का एंड कर देना चाहते हैं, ठीक है। ये गिफ्ट का कार्ड बहुत प्रॉमिसिंग होता है, आपके पर्सन को एक चीज़ की उम्मीद है, पूरी होप है कि वो जब भी उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें होंगी ना, सही हो जाएगा, जिस दिन वो सेटल हो जाएंगे ना, उनका कैरियर सेटल हो जाएगा, उस दिन वो सब कुछ शॉर्ट आउट कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। उनको इस चीज़ की उम्मीद है कि जो भी चीज़ें बुरी हैं ना, वो सब खत्म कर देंगे। यहाँ पे एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे बॉटम में एनर्जी गिफ्ट की आई है, तो हम उसी तरीके से कहेंगे। और हालांकि कॉफिन का मतलब कुछ चीज़ों का एंडिंग भी होता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बॉटम की एनर्जी गिफ्ट है, और गिफ्ट एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है, बेस्ट, सबसे डेक का ऐसे मान लीजिए सबसे बेस्ट कार्ड है, तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें रिसीव ज़रूर होने वाली हैं, ठीक है। यस, ये आ रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं, खराब चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में जो भी हो रही है ना, जो भी सेपरेशन है आप लोगों के बीच में, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी लोग हैं, जो भी ऑब्स्टिकल है ना, ये सब एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। आपके पर्सन को ये उम्मीद है कि एक दिन वो सब कुछ ठीक कर देंगे।
प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के रिगार्डिंग दो कार्ड दीजिए, व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के रिश्ते के रिगार्डिंग दो कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग दो कार्ड दीजिए प्लीज़। वन नंबर, एट नंबर, सिक्स नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे किसी तरीके की कोई अवेयरनेस आने वाली है, ठीक है, अवेयरनेस की ज़रूरत है यहाँ पे। जैसे ही क्राउन चक्रा खुलेगा, हो सकता है आप लोगों का क्राउन चक्रा ब्लॉक है, ठीक है, थर्ड आई चक्रा ब्लॉक हो सकता है, स्पेशली क्राउन चक्रा ब्लॉक है। जैसे ही क्राउन चक्रा ओपन होगा आप लोगों का, वैसे ही आप लोगों को अवेयरनेस आने वाली है। हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों के लिए अभी तक अवेयर नहीं है। एक्सीलरेटेड मोशन एंड विक्ट्री एंड सक्सेस, जैसे ही चीज़ें समझ में आएंगी। पहली बात तो कई बार हो सकता है काफ़ी सारे लोग हैं इनप्लेस, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं बार बार कन्फ्यूजन, ओवर थिंकिंग, इस तरीके की एनर्जी में चले जा रहे हैं, ये भी चीज़ें हो रही हैं। जिस दिन उनको ये अवेयरनेस आ जाएगी ना कि ये रिश्ता उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी वो कभी कभी कन्फ्यूज भी हो जाते हैं, वो ऑप्शन भी देखने लग जाते हैं, आपके भी लिए लगने लगता है कि आप पता नहीं कहाँ हो कभी कभी, क्योंकि उनकी सेक्रीफाइस की एनर्जी भी आ रही है। तो जिस दिन आपके पर्सन इस चीज़ के बारे में अवेयर हो जाएंगे ना कि उनके लिए ये रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है, उस दिन आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये या आप, ठीक है, तो किसी न किसी तरीके की अवेयरनेस आप लोगों के बीच में ज़रूर आने वाली है। विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है सिक्स नंबर, यानी कि हर तरीके की लग्जरी आपको मिलने वाली है, पैसा मिलने वाला है, मैरिज चाहिए तो मैरिज होने वाली है, हर तरीके की हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। विक्ट्री एंड सक्सेस आप लोगों को ज़रूर मिलेगी, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको अवेयर्ड होना पड़ेगा, आपको चीज़ों को सही ढंग से पता होना चाहिए कि पहले तो अपनी आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये रिश्ता चाहिए कि नहीं चाहिए। कभी आप सोचते हो कि मेरे को ये रिश्ता चाहिए, कभी लगता है कि मुझे नहीं चाहिए, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपकी पर्सन की भी हो सकती है। तो जब भी आप ये झूलना बंद कर दोगे ना चीज़, और जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा ना कि ये रिश्ता हमारे लिए कितना रिस्पॉन्सिबल, मतलब ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अभी तो कभी कभी लगता है कि छोड़ो यार, लेट गो कर देते हैं, पता नहीं सामने वाला बंदा प्यार करता भी है कि नहीं, या सेक्रीफाइस कर दें, मतलब कर दें, इस तरीके की एनर्जी भी आती है। तो जिस दिन आप अवेयर्ड हो जाओगे, उस दिन आप अपने इश्यूज़ को लेट गो करोगे, ठीक है, जो भी इश्यूज़ आप लोगों के बीच में चल रहे हैं उनको लेट गो करोगे, उस दिन सारी चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में सही हो जाने वाली हैं, ठीक है। एक्सीलरेटेड मोशन, चीज़ें बहुत जल्दी और तेज़ी से बदलेंगी, बहुत तेज़ी से बदलेंगी, ठीक है। विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है, मतलब विक्ट्री तो आपको मिलने ही वाली है, सक्सेस आपको ज़रूर मिलने वाली है। एट नंबर मतलब किसी तरीके का मॉनिटरी गेन आपको मिल सकता है। वन नंबर एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है कि न्यू बिगिनिंग आप लोगों के लिए हो सकती है, ठीक है। एट नंबर, सिक्स नंबर एंड वन नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए हम देख लेते हैं आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन, प्लीज डिवाइन हमारे रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन, बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें जब आप लोग हमें सब्सक्राइब करते हो, जब हमारे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, 50,000 हो जाएंगे, 50,000 तो पता नहीं कब होंगे भी कि नहीं होंगे, 50,000 जिस दिन हो जाएंगे, 50K हो जाएंगे, उस दिन मैं अपना फेस रिवील करूंगी। लोग आप लोग बोलते रहते ना मैम लाइव आओ, फिर मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगी अपने बारे में। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं इस वक्त, प्लीज़ बताइए। बातें किसी से भी करूं, प्यार तो तुम ही हो मेरा, ठीक है, इसीलिए आप, हो सकते हैं आपके पर्सन अभी आपसे कहना चाहते हैं कि वो फ्रेंडशिप में हैं, बातें करते रहते हों, थोड़ा इधर उधर ये सब चीज़ें करते रहते हों, क्योंकि लस्टी एनर्जी थोड़ी सी दिखी है ना, किंग ऑफ वेंड्स और नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी दिखी है, तो ये थोड़े से लस्टी बिहेवियर को शो करता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जैसे मैंने बोला था ना मल्टीपल वुमेन हैं उनकी ज़िंदगी में, जहाँ पे वो इधर उधर बात करते रहते हैं, तो उनका कहना ये है कि लेकिन वो प्यार आपसे ही करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स को इस वक्त क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। कांट सी यू विद समवन एल्स, यस, आपके पर्सन थोड़े से पैनिक है, उनको ये लग रहा है कि आप अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हो, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, उनको ऐसा, वो आपको होल्ड करके भी रखना चाहते हैं, थोड़ा सा डिटैच बिहेवियर भी शो करते हैं आपसे, ताकि आप उनके साथ ज़्यादा उनको डिस्टर्ब नहीं करो, ज़्यादा उनसे उम्मीदें नहीं पालो, क्योंकि वो अभी बहुत श्योर नहीं है अपनी चीज़ों के बारे में, ठीक है, होप उम्मीद ज़रूर है लेकिन थोड़ा सा अभी इश्यूज़ है उनकी लाइफ में। दूसरी चीज़ उनका क्या है कि वो ये भी नहीं देख सकते हैं कि आप उनसे दूर चले जाओ, जब उनको ये डर लगने लगता है कि जब वो आपसे ज़्यादा देर के लिए अकेला छोड़ देंगे तो कहीं ऐसा ना हो आप आगे निकल लो, तो ये वापस आपके पास आ जाते हैं क्योंकि ये किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहते। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। नॉट कंपैटिबल फॉर ईच अदर बट स्टिल मेड फॉर ईच अदर, आपके पर्सन, हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो सकते हैं, चीज़ें आप लोगों के बीच में सेम नहीं है, काफ़ी कुछ ऐसा है जो बहुत अलग अलग है आप दोनों के बीच में, कंपैटिबल नहीं हो आप एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे आप एक दूसरे के लिए ही बने हो।
प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की पोस्ट एंड हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू, आपके पर्सन आपके बगैर खुश नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की पोस्ट एंड वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स की पोस्ट एंड हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। यू आर लवेबल, आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि आप लवेबल हो। वो कार्ड जो मोड़ा था, मुझे बार बार पता नहीं क्यों ऐसे क्यों लग रहा है कि वो कार्ड आना चाहता था, मुझे पता भी नहीं है कौन सा कार्ड था। तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ या सकती हूँ, ठीक है, ये एनर्जी है। मतलब आया था, पता नहीं क्यों मुझे बार बार ट्रिगर कर रहा था वो कार्ड, इसलिए। यू आर माई ट्विन फ्लेम, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में प्रॉब्लम्स होती हैं थोड़ी सी रिश्ते में, तो वो सब चीज़ें आप लोगों के बीच में हैं। काफ़ी दिन से चार्म्स नहीं निकाले हैं, तो हम चार्म्स देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन को आप, हमारे व्यूअर्स को आप या उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ डिवाइन में बताइए। ये कार्ड खुल गया था इसलिए मैंने ले लिया। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया आप लोगों के बीच में घूमने वाला है, या जब भी चीज़ें होंगी, साइकिल एक कंप्लीट होगी, आप लोगों की डेथ की एनर्जी है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों के केस में ज़रूर आ गई, कहीं कुछ एंड होगा और कहीं कुछ नया शुरू होगा। फेथ की एनर्जी है यहाँ पर, आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है, ठीक है, आपको उम्मीद रखनी है, लूज़ नहीं करनी है, ट्रस्ट करने की ज़रूरत। मैंने भरोसा कहा और यहाँ पर भी ट्रस्ट आ गया, ठीक है, आपको फेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है, अपनी जर्नी पे ट्रस्ट रखना है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हो सकता है किसी तरीके के ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकते हैं, एविल आई हो सकती है, जहां आपको ये लग सकता है आप गिव अप कर सकते हो कि नहीं ये जर्नी वर्नी नहीं कंप्लीट हो सकती, कभी कुछ सही नहीं हो सकता, या आपका पर्सन तो कभी सुधर ही नहीं सकता, सब 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 बेकार हो गया है, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, इस तरीके की एनर्जी आप लोगों की हो सकती है। कितने लोगों की एनर्जी इस तरीके की है मुझे कमेंट करोगे, कमेंट करके बताओ, ठीक है, निगेटिव एनर्जी, लेकिन उसके साथ एक कमेंट पॉजिटिव वाला भी करना कि आप होप रख रहे हो, सरेंडर टू डिवाइन कर रहे हो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपको ये होप भी है, ठीक है। फेथ एंड ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, डिवाइन पे ट्रस्ट रखो, वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। आप या आपके पर्सन का नाम ए से हो सकता है, या आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है। आप या आपके पर्सन का नाम बी से हो सकता है, या आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है। फॉरगिव, माफ़ करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। किसी तरीके की अगर कोई गलती आप लोगों के बीच में हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे ज़्यादा दिखाई देती है। अवेयरनेस की एनर्जी यही चीज़ दिखाती है कि हो सकता है इस एविलाई, जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का रिश्ता हो, उन लोगों ने आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करवाई हैं, इश्यूज़ क्रिएट करवाए हैं, झूठ बोला है, मैनिपुलेशन किया है, या किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है जिससे आप दोनों एक दूसरे के बारे में गलत सोचने लग गए हो। तो यहाँ पे वो चीज़ों को, यही चीज़ है कि आपको अवेयरनेस आनी चाहिए, आपको खुद से पता चलने चीज़ों के बारे में पता चलेगा, उस दिन आप लोगों के बीच में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। माफ़ी मांगने की ज़रूरत है या किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है ताकि आपका फाइनेंशियल अच्छा हो। आप या आपके पर्सन का नाम पी से हो सकता है, ठीक है, या पी आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है। आप या आपके पर्सन का नाम डब्ल्यू से हो सकता है, या डब्ल्यू कॉमन हो सकता है। ट्रिपल टू हो सकता है आप लोगों को तो दिखाई दे रहा हो बहुत ज़्यादा, तो ट्रिपल टू एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, कुछ मिराकल्स के आने का दिखाता है कि कुछ नया मिराकल आप लोगों को ज़रूर होगा बीच में, सक्सेस जरूर मिराकल होगा और सक्सेस आप लोगों को ज़रूर मिलेगी, ठीक है। सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पे बहुत ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों के बीच में। जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में आ रही है, ये आपके कर्मा की वजह से आ रही है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, भरोसा बनाए रखिए, चीज़ें सही हो जाएंगी, बट अभी वो कर्मा है जो आपको झेलना है तो झेलना ही है, ठीक है। बट पॉजिटिव रहिए, इस वक्त हो सकता है बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं तो वैसा नहीं फील करें। ओहो, बहुत हाइपर हो रहे हो आप लोग यार, थोड़ा सा रिलैक्स रहो, सफलिंग में प्रॉब्लम आती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो प्लीज़ डिवाइन बताओ। हम प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो प्लीज़ बताओ। फाइनल शफल, आई नीड ओनली वन कार्ड, हमारे व्यूअर्स के लिए एनिमल स्पिरिट आपका क्या मैसेज है बताओ। स्टैंड टॉल एंड मेंटेन योर डिग्निटी नो मैटर व्हाट एंड अदर्स विल ट्रीट यू विद द रिस्पेक्ट दैट यू डिजर्व। ये कार्ड आपको नहीं लगता ज़्यादा आता है, ठीक है, कुछ खास खास कार्ड ही बार बार आते रहते हैं, ये बाकी काहे के लिए, सिर्फ डेक बनाने के लिए, ये आते ही नहीं कभी। खैर, जो आना होता है वही आता है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको अपने लिए अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना है, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, ठीक है, और जो मर्जी लोग बोलते हो, जो मर्जी क्या करते हैं, क्या होगा, ये फालतू का आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने लिए अपनी डिग्निटी के साथ अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, और लोग आपको ठीक वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसा ट्रीटमेंट आपको मिलना चाहिए, ठीक है।
तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डिवाइन हमारे, अरे यार पॉजिटिव रहो, रिमेन पॉजिटिव दिखाई दिया मुझे। प्लीज़ डिवाइन हम यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो, अरे यार पीसफुल रेजोल्यूशन निकल के आएगा, कितने सारे कार्ड निकल के आ रहे हैं, बहुत कुछ कहना है मुझे लग रहा है डिवाइन को। चलिए अच्छे कार्ड दिखे, रिमेन पॉजिटिव एंड पीसफुल रेजोल्यूशन दिखाई दिया, फाइनली क्या आता है देखते हैं। यहाँ पे चाहें तो आप कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है, चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन आप नहीं गड़बड़ करना, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लग एट दिस, सबसे पहला पार्ट कार्ड यही दिखा था, रिमेन पॉजिटिव, ठीक है वही सेम चीज़ दिखी थी वही आई आपके लिए। अगर आपका कोई सवाल था तो उसका जवाब यस है, लेकिन ये डेफिनेट यस नहीं है, अभी के लिए यस है, ठीक है आगे चेंज हो सकता है, ये डेफिनेट यस नहीं है अभी के लिए, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ठीक है। चीज़ें रिमेन पॉजिटिव, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में कब सही होंगी, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ठीक है। अगर आपका कोई सवाल था तो उसके लिए अभी टाइम जोन है कि कुछ अगले कुछ हफ्तों के अंदर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, होप मेंटेन करके रखने की ज़रूरत है, आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, हो सके तो अपने पर्सन पे भी ट्रस्ट कर लो, बट मुझे लग नहीं रहा है कि अभी आप ऐसा कुछ कर रहे हो, बिकॉज इतने सारे कार्ड, इतनी डिवाइन इतना डेस्परेटली आपको चीज़ें समझाने की कोशिश नहीं कर रहे होते अगर आप पॉजिटिव होते तो इसका मतलब आप पॉजिटिव नहीं हो। तो आपके लिए यही है कि आप पॉजिटिव रहिए, चीज़ों पर डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस करिए, स्पेशली अपने क्राउन चक्र को बैलेंस करिए और अपने किसको रूट चक्र को, बेस चक्र को अपने बैलेंस करो, जिससे क्या होगा आपका फाइनेंसेस अच्छा होगा और आपके पर्सन का भी फाइनेंस अच्छा होगा, ठीक है। ये एनर्जी है, चीज़ें सही हो जाएंगी, बस पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।